स्वागत है ब्रेक के बाद आपका सिटी राशिफल में। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, धनु राशि वालों की मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह आपके बेटों बेटियों से बड़ा भारी लाभ मिलने वाला है और साथ साथ जो आपने पहले कभी पैसे दिए थे किसी को वो भी मिलने वाले हैं। और लोन के लिए अगर आपने अर्जी दी है तो आपको लोन भी इस सप्ताह मिलने वाला है। बैंक इत्यादि आपसे बहुत खुश रहेगा। बृहस्पति और शुक्रवार ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे हैं और साथ साथ रविवार के दिन कुछ बड़ा कार्य ना करें। और खरीदारी के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, इसमें आपकी अच्छी खरीदारी हो सकती है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपका जो पुराना बोनस इत्यादि रहता है वो भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। लगभग 66% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का बनता है। जी, तो ओवरऑल देखा जाए धनु राशि वालों के लिए ठीक है उनका ये सप्ताह, लेकिन क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर, आइए जानते हैं। लकी नंबर की मैं बात करूं तो 6 अंक का प्रयोग आप करें। और रंग की यदि मैं बात करूं तो आप हो सके तो इस सप्ताह खूनी लाल रंग का प्रयोग करें, वो भी आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और उपाय की बात करूं आपको तो एक नारियल लें और सिंदूर लगा करके सर के ऊपर वार करके बहते पानी में छोड़ें। पानी नहीं है आसपास तो कहीं इसको दबा लें, आपको बेहद लाभ होगा और कोई बड़ा समाचार सुनने को आपके लिए मिलेगा। जी, आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, मकर राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह बहुत ही मिला जुला आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि बड़े बॉस आपको कुछ हल्का सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन परेशानी के बावजूद आपके काम में बहुत ज़्यादा निखार आने वाला है। और आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपका रिजल्ट यदि आ रहा है तो बेहद उत्तम वो भी आएगा। और पिता से बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिलने वाला है। और कोई कुछ दिनों से जो अड़चने चल रही थी, कुछ मुझे लग रहा देवी प्रकोप जो आपके ऊपर चल रहा था वो भी ठीक होने वाला है। और साथ साथ शनिवार शुक्रवार ये दोनों ही दिन आप कुछ नया कर सकते हैं, इसमें कुछ आपके लिए नया भी होने वाला है। आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस सप्ताह खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए योग बनते हैं। लगभग 65% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, तो कौन सा रंग और ये अंक इन्हें यूज करना होगा इस सप्ताह को अच्छा करने के लिए? सप्ताह को उत्तम बनाने के लिए 2 अंक का ही आप प्रयोग करें, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और हो सके तो संतरी रंग का प्रयोग करें, बेहद लाभप्रद आपके लिए बना रहेगा। जी, आइए जानते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक इस सप्ताह बहुत ज़्यादा क्रोध में रह सकते हैं और सरदर्द भी आपको इस सप्ताह रहने वाला है। और जो पिछले दिनों से आपको लोग परेशान कर रहे हैं वो और ज़्यादा परेशान आपको करेंगे। किसी का कर्जा देना है तो भी आप इस सप्ताह बहुत परेशानी में रहोगे, क्योंकि बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार ये तीनों ही दिन आप परेशानी में रहने वाले हो। और आपकी जो यात्राएं हैं वो भी स्थगित हो सकती है, कुछ उसमें भी रुकावटें आपके लिए आ सकती है। तो पैसा इन्वेस्ट इस सप्ताह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए वापस नहीं आने वाला है जो ये सप्ताह में आप इन्वेस्ट करोगे। दूसरा एक और बात आपके लिए कहूँ कि रिश्तेदारी और आपके आस पड़ोस और आपके घर परिवार वाले लोग भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। लगभग 49% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे आचार्य जी कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह को अच्छा करने के लिए, इन परेशानियों से दूर रहने के लिए? सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आप बैंगनी रंग का प्रयोग करें या चॉकलेटी रंग का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ अंक की मैं बात करूं तो 3 अंक का प्रयोग आप ज़रूर करें। और सूर्यों की उपासना आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। और सूर्यों को यदि आप अर्घ देते हो तो उसमें थोड़ा सा आप चंदन या सिंदूर डाल करके दे, आपको लाभ होगा। रविवार के दिन थोड़ा सा नमक को आप जो है कम करें, नमक मत खाएं। जी, तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि के पास, कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह। बिल्कुल, मीन राशि वाले जातकों को मैं बता दूं कि ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है और इस सप्ताह
आपको आपकी नौकरी में भी थोड़ा अच्छा नहीं होने वाला है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या अध्यापक हैं उनको भी थोड़ा परेशानी इस सप्ताह रहेगी, और पुत्र पुत्री के विवाह की चिंता इस सप्ताह ज़्यादा रहेगी, और हो सकता है तो घर में थोड़ा सा अनबन और मतभेद भी बढ़ भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सके तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये तीनों दिन कोई बड़ा कार्य ना करें, सोमवार के दिन कोई काम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, वो लाभप्रद आपके लिए रहता है। मकान का कोई कार्य चल रहा है उसमें भी हल्की सी रुकावट आएगी, और कानूनी दाव पेज में भी आप इस सप्ताह फंस सकते हो। लगभग 52% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे मीन राशि वालों को इस सप्ताह, और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर? लकी नंबर की और कलर की मैं बात करूं तो नंबर आप 6 पर प्रयोग में लाएं, और जो रंग की मैं बात करूं तो आप हो सके तो गुलाबी रंग को इस सप्ताह प्रयोग में लाएं। उपाय आप क्या करें, अपने 3 लोगों को अपने साथ ले और किसी जंगल या चौराहे पे चने जो है उसको जो है आप अंकुरित चने को आप कहीं छोड़ करके आ सकते हैं, सर के ऊपर वार करके आ सकते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको लाभ होगा क्योंकि इस सप्ताह आपके खर्चे में भी ये रोक लाएगा, और राहु का काल चक्र जरूर इस सप्ताह कराए उससे भी आपको लाभ होगा। और विशेष तौर पे मैं देखता हूँ तो ये सप्ताह थोड़ा सा मुश्किलों भरा आपके लिए है। जी, तो चलिए, ये तो बात हुई राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आप सभी का राशिफल। लेकिन अब आचार्य जी आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि हमने राशिफल से पहले भी बताया था कि स्टोन, जैसे हम देखते हैं अलग अलग उंगलियों में अलग अलग तरह के स्टोन पहने होते हैं लोगों ने, लेकिन अगर कोई पूछना चाहे कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा स्टोन हम पहन सकते हैं, तो ये जानकारी हम आपसे चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं पहले दिन को ले लीजिए, पहला रविवार है, रविवार का स्वामी सूर्य रहता है और सूर्य के लिए माणिक का धारण आप जरूर करें, और अगर सूर्य किसी का खराब भी है अच्छा भी है तो भी माणिक का धारण करें, उससे जो है आपको लाभ होता है। फिर आप सोमवार के दिन आ जाओ जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और चंद्रमा के लिए मोती बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन ये सुबह के टाइम आपको धारण नहीं करना है, ये सायंकालीन समय में धारण करना है, 3:30 बजे के आसपास धारण कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा उदित के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। फिर बुधवार के दिन के लिए पन्ना होता है, और यदि किसी का बुध खराब है या बुध बहुत ही उत्तम और जिसकी दशा लगी है तो पन्ने को धारण कर सकते हैं, पन्ने का सब्स्टिट्यूट है ऑनिक्स कहते हैं, वो भी धारण कर सकते हैं। फिर आगे बृहस्पतिवार के दिन हम आते हैं तो पुखराज, और पुखराज का सब्स्टिट्यूट जो रहता है वो सुनेला है, मरका है, वो भी पहन सकते हैं, और इसके बावजूद व्रत भी का आप कर सकते हो ये। और उसके बाद आप जैसे शुक्र के लिए हीरा ओपल दोनों चीजें धारण कर सकते हैं, शनिवार के लिए आपको नीलम कटहला या नीली धारण करना है, तो ये सारे ग्रह के हैं। राहु और केतु जो छाया ग्रह है उनके लिए, राहु के लिए गोमेद रत्न होता है और केतु के लिए लहसुनिया रत्न होता है, ये बिल्कुल रत्न लगाने से हर प्रकार के आपके समस्याएं दूर ग्रहों के हिसाब से होती है। ग्रह हर हमेशा ही 3 धारण करने चाहिए, एक दशा के लिए, एक भाग्य के लिए, एक आजीवन के लिए। आजीवन रत्न कुछ अच्छा सा पहने, ये सबसे झूठ ना पहने, भाग्य रत्न भी सबसे झूठ ना पहने, और दशा के लिए यदि पहनना चाहते हो तो सबसे झूठ जरूर पहन ले, लेकिन अष्टम स्थान को जरूर देख ले कि मृत्यु के स्थान पे वो ग्रह ना बैठा हो, उसका रत्न हमेशा ही वर्जित रहता है, तो वो रत्न ना आप धारण करें। जी, चलिए, तो ये तो बात हुई रत्नों की, क्योंकि ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास आया है ममता का, और इन्होंने लिखा है कि इन्हें केतु की दशा लगने वाली है, वैसे इन्होंने अपने कुंडली भी भेजी है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ममता जी केतु की दशा 7 वर्ष की रहती है तो ये अभी आपके लिए रहेगी, तो लहसुनिया रत्न आप मध्यमा में धारण जरूर करें, इससे हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होगी, क्योंकि हड्डियों संबंधी जो परेशानी ये आपको आ रही है ये लहसुनिया की आ रही है, और गोड़ इत्यादियों में भी आपको थोड़ी सी समस्या जरूर रहेगी। लहसुनिया दूसरे तरीके से भी आपको लाभ देगा, नजर वजर को भी लहसुनिया रत्न हमेशा ही रोकता है, तो ये जरूर धारण करें। चलिए, तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्न है तो आप सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और
ईमेल कर सकते हैं आप acharya+@gmail.com पर, और सीधे बात भी कर सकते हैं आप आचार्य जी से। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कॉल कर सकते हैं आप इनके नंबर पर। बिल्कुल acharyaplus@gmail.com इस पे मेल आईडी है, आप कोई भी समस्या आप इसमें डाल सकते हो। और 9812813 और 14 ये भी हमारे नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और तीसरा, यदि आपकी बहुत बड़ी समस्या है तो व्हाट्सएप पे भी आप 9125900004 पे आप मैसेज में भेज सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है तो आपकी दूर की जाएगी। और विशेष तौर पे यदि मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर फेसबुक और इनमें भी मैं सारे प्रश्नों के जवाब देता हूँ, तो ज़रूर जो है आप हमसे जुड़िए। जी, तो सिटी राशिफल में आज बस इतना ही। आपका ये सप्ताह अच्छे से बीते, मंगलमय रहे। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।